हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमटीपी किट के बारे में, मतलब जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के जो टेबलेट होती है, किट होती है, उसके बारे में। तो बहुत सारी जो ब्रांड इसको बनाती है, लेकिन यहाँ बात करेंगे हम अनवांटेड किट के बारे में। दोस्तों, अनवांटेड किट का यूज तब किया जाता है जब एक महीने से दो महीने तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करने का ये टेबलेट काम करती है। इसका यूज हमें किन दिनों में करना चाहिए, कितने दिन बाद मतलब प्रेगनेंसी के करना चाहिए, और इसकी सही डोज क्या होती है, इसको किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम नहीं खाना चाहिए, और किन लेडियों को ये खानी चाहिए, किन को नहीं खानी चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर इसको खाओगे क्या नुकसान हो सकते हैं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर अनवांटेड किट के बारे में। तो दोस्तों, अनवांटेड किट के इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें, इसमें पांच टेबलेट होती है। तो एक टेबलेट होती है बड़ी वाली, वो होती है मिफेप्रिस्टोन 200 mg में, और जो चार टेबलेट होती है वो होती है मिसोप्रिस्टोल, और वो होती है 200 mcg में, 200 माइक्रोग्राम में। ठीक, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये 360 या 370 रुपए की आराम से मिल जाती है। और भी ब्रांड इसको बनाती है, 700 रुपए तक की जो है ब्रांड नेम से जो आती है, किसी का 700 तक भी इसके प्राइस होते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट है मैंने बताया ये होती है, तो और भी मतलब ब्रांड बनाती है, लेकिन हम यहाँ पर अनवांटेड किट की ही बात कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। दोस्तों, एक महीने से दो महीने तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज तब किया जाता है जब कोई लेडी का मतलब अगर रेप हुआ है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तब इसको टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है प्रेगनेंसी को। ये कोई मेंटली रेडी नहीं होती है डिलीवरी करने के लिए, प्रेगनेंसी को जब टर्मिनेट करने का काम वहां पर ये इसका किया जाता है, और डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करते हैं तभी आपको मेडिकल स्टोर पे मिलती है, वरना ऐसे नहीं मिलती। फिर भी कुछ मेडिकल स्टोर आपको ये दे देते हैं, तो इन केस में जो है इसका यूज किया जाता है। अगर किसी वजह से मतलब मान लीजिए कोई पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या तो वहां पर इसको टर्मिनेट करने का काम प्रेगनेंसी को किया जाता है इस टेबलेट से। ओके, अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, इसकी डोज कैसे लेनी चाहिए। जो पांच टेबलेट है, जो बड़ी टेबलेट आती है मिफेप्रिस्टोन, उसका यूज मान लीजिए आज 9 बजे आपने किया है सुबह, तो उसके 24 घंटे बाद जो चार टेबलेट बची है उसमें से दो टेबलेट जो है अगली सुबह को 9 बजे खानी है। ठीक, फिर उसके जो 12 घंटे बाद जो दो टेबलेट आपकी बची है शाम को 9 बजे आपको खा लेनी है। दूध से आपको या पानी से आप इसको खा सकते हैं खाना खाने के बाद में। कुछ लोग बोलते हैं रात को सोते टाइम खाएं या दिन में, तो दोस्तों जैसा मैंने बताया सुबह को 9 बजे आप खा सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें मेडिकल मतलब कोई भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, तो आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो दिन में आप आराम से जा सकते हैं, रात में नहीं भी होते डॉक्टर तो इमरजेंसी के लिए, इसलिए दिन में आपको ये खानी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके वर्क के बारे में, ये टेबलेट कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, जो बड़ी टेबलेट होती है ये टेबलेट खाने के बाद में जो आपको पता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। तो ये टेबलेट खाने के बाद में जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ये टेबलेट काम करती है। ओके, तो उससे जो है ब्लीडिंग वगैरह का कोई मसला नहीं होता है, और वो उसका जो अपना काम करता है वो 24 घंटे के अंदर तक वो अपना काम करता है और ब्लीडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब आप 4 में से 2 टेबलेट खाते हैं तो उसके 30 मिनट से 4 घंटे तक ब्लीडिंग वगैरह जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो मिसोप्रिस्टोल टेबलेट होती हैं चार, इनका क्या काम क्या होता है, ये यूट्रस में जाके मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं, और वहां पर फिर जो ब्लीडिंग वगैरह होती है वो स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो इनका काम होता है ऐसे। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगर इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस टेबलेट के इस किट को खाने के कुछ साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं, जैसे आपके पीरियड जो है इरेगुलर हो सकते हैं, और इचिंग हो सकती है, स्किन रेसेस हो सकते हैं, वोमिटिंग, नोजिया, इस तरीके की जो है प्रॉब्लम रह सकती है। अगर कुछ जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि वोमिटिंग, नोजिया, और तो ये जो है कुछ घंटे तक रहते हैं, वो आके ठीक हो जाते हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और 1 घंटे से ज्यादा ये ब्लीडिंग बनी रहती है, सॉरी 1 हफ्ते से ज्यादा रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और बताना है, वो जो भी ट्रीटमेंट देंगे उसको आपको फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कौन लेडीज को यूज नहीं कर सकती, मतलब उन्हें जरूरत है इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की, तो कौन नहीं कर सकती। अगर किसी का बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई है, वो इसका यूज करना चाहते हैं तो वो यूज नहीं कर सकते। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है,
तो वो उसका यूज नहीं कर सकते, किडनी की कोई प्रॉब्लम है वो यूज नहीं कर सकते। और कुछ का सवाल ये रहता है, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या वो यूज कर सकती है? तो जी हाँ, वो आराम से इसका यूज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये थी इसकी पूरी जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो और कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।